अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए बच्चों, अब हम हमारे नेक्स्ट मौजू पर नजर डालते हैं। तहरीक से क्या मुराद है? तहरीक एक इज्तिमाई अमल है। इसमें कई लोगों की ज्यादा शिरकत होना जरूरी होता है। तहरीक लोगों के किसी मखसूस मसले की बुनियाद पर बनाई गई एक तंजीम होती है। मसलन आलूदगी के वाहिद मसले को लेकर भी तहरीक शुरू की जा सकती है। तहरीक के पेश नजर कोई मखसूस अवामी मफाद या मसला होता है। मसलन रिश्वत सनाती मुखालिफ तहरीक का मकसद रिश्वत खोरी को खत्म करना होता है। तहरीक के लिए कोई भी एक रहबर होता है जिसकी वजह से तहरीक मजबूत होती है। उस रहबर की वजह से तहरीक मजबूत होती है। तहरीक के मकसद प्रोग्राम और एहतजाज की तैयारी के सिलसिले में फैसले किए जा सकते। मजबूत रहबर हो तो तहरीक नतीजा खेज साबित होती है। तहरीक एक तंजीम की शक्ल में होती है। प्यारे बच्चों, तहरीक जो होती है वो एक तंजीम की शक्ल में होती है। तंजीम के बगैर तहरीक मसाइल को हल नहीं कर सकती। मसलन किसानों की तहरीक के लिए किसानों का काम करना, किसानों की तंजीम का काम करना निहायत ही जरूरी है। किसी भी तहरीक के लिए अवामी हिमायत बहुत जरूरी होती है। जिस फैसले की बुनियाद पर तहरीक वजूद में आती है, अवाम को वो मसला अपना मालूम होना निहायत ही जरूरी होना चाहिए। इसके लिए तहरीक खुसूसी प्रोग्राम के जरिए अवामी राय को हमवार करने की कोशिश करती है। इसके लिए तहरीक खुसूसी प्रोग्राम के जरिए अवामी राय को हमवार करने की कोशिश करती है। तो प्यारे बच्चों, आज के हमने इस पॉइंट में देखा तहरीक से क्या मुराद है।